सो वो सब कहते हैं बैक टू द वीडियो, होप यू सारे ठीक होंगे। सो आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने लगा हूँ। ये वीडियोस की जो सीरीज है वो बैक टू बैक जो वीडियोस है मेरी रोज़ या एक दिन छोड़ के जो वीडियोस जो मेरी आएंगी, ये मैं वीडियो सीरीज इसलिए शुरू कर रहा हूँ, इसमें मेरी पूरी सीरीज में जितने भी कॉलेजेस हैं अल्बर्टा के, मैं उनके ऊपर सभी के ऊपर रिव्यूज़ दूंगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि हर एक पर्टिकुलर सब्सक्राइबर मेरे से पूछता है इसके ऊपर वीडियो बनाऊं या इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो अब मैंने सोचा कि हर एक कॉलेज के ऊपर एक ऑनेस्टली रिव्यू देखिए कितनी उसकी फ़ीस है, कितने उसके प्रोग्राम्स हैं, क्या हिसाब किताब है कैसा नहीं है वहाँ पे, एरिया कैसा है, कितनी पॉपुलेशन है, काम आपको मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, तो आपको हर एक वीडियो में हर एक कॉलेज के बारे में पता चल जाएगा। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ जो चीपेस्ट कॉलेज भी है अल्बर्टा प्रोविंस का, आप मान भी सकते हो, और यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसको मतलब कि जो आप सोच भी नहीं सकते वैसे प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे। तो बिना किसी देरी के वीडियो कर देते हैं शुरू। सो आज मैं बात करूँगा ग्रैंड प्रेरी कॉलेज के बारे में। ये ग्रैंड प्रेरी रीजनल कॉलेज जो है वो ग्रैंड प्रेरी में है। इसके दो कैंपस हैं, एक है ग्रैंड प्रेरी में और दूसरा कैंपस है फेयरव्यू में। और मैं आज बात करूँगा ग्रैंड प्रेरी के बारे में, जो ग्रैंड प्रेरी में जो कैंपस है मैं उसके बारे में बात करूँगा। इसमें जो कोर्सेज हैं वो काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं। काफ़ी मेरे से सब्सक्राइबर्स दो दिन पूछ रहे थे अगर पावर इंजीनियरिंग का अगर आप कोर्स ढूंढ रहे हो तो आप इस कॉलेज में जा सकते हो। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कॉलेज कौन कौन से हैं। इफ़ आई स्टार्ट कि आपको बीच में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स मिल जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का कोर्स मिल जाएगा, आपको म्यूज़िक का कोर्स जो है वो मिल जाएगा, आप सर्टिफिकेट डिप्लोमा ये सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद आपको कंप्यूटर का, एनिमल हेल्थ, उसके बाद आपको किसी को अगर मैकेनिक्स में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो जा सकते हैं इधर, मोटरसाइकिल मैकेनिक, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, पावर इंजीनियरिंग, हार्ले डेविडसन टेक्नीशियन। मतलब मेरे को यहाँ पे जो थोड़े से जो लगे ना बड़े इंटरेस्टिंग से कोर्स लगे तो मैंने कहा इस कॉलेज पे मैं सबसे पहले वीडियो बनाऊँगा। और ये सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास, लिमिटेड ऑप्शंस हैं, जिस चीज़ को आप ढूंढते हो वो सारे ऑप्शंस इस कॉलेज में हैं। अगर आप ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स लेना चाहते हो या बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो इस चीज़ में। तो अगर मैं बात करूँ इसके बाद आप क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र कोर्स भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपने 2 साल का यहाँ पे कोर्स कर लिया और आपने कहीं और यूनिवर्सिटी में जाना है या किसी और कॉलेज में जाना है तो आपके जो क्रेडिट्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इन्होंने पर्टिकुलर नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी साइट का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं खुद। और जब आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा कि आप कौन कौन से कॉलेजेस में, सारे कॉलेज जितने भी अल्बर्टा में कॉलेज आते हैं ये सारे कॉलेज में क्रेडिट ट्रांसफ़र कर देते हैं। यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र में अगर मैं बात करूँ, मैकमैन यूनिवर्सिटी, एथाबास्का यूनिवर्सिटी और एक दो यूनिवर्सिटीज़ और हैं, अभी यहाँ पे तो अगर आप खोल के देखोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन कौन से कोर्सेज आपको हाईलाइट हो जाएंगे। और आगे मैं बात करूँ, मेन पॉइंट पर आऊँ तो फीस इसकी एज़ कम्पेयर टू अनदर कॉलेजेस काफ़ी कम है। नीचे या फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको पूरा जो है पूरा व्यू दे दूँगा, या फिर मैं इसका पीडीएफ में जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। 1 साल की कोर्स मैं आपको अगर बताऊँ, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन उसका एक साल की फ़ीस है, पहले साल की थोड़ी सी कॉस्टली है, $15,000 है, और जो सेकंड ईयर की है वो $13,000 है। और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो तो फर्स्ट और सेकंड ईयर की सेम फीस है, बस आपको जो एडिशनल चार्जेस होते हैं जो भी होता है इंश्योरेंस वगैरह या बुक्स के जो खर्चे होते हैं वो तो आप सेकंड हैंड भी ले सकते हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं आपको मिल जाएगी जो आपके सीनियर्स होंगे। फ़ीस की तो बात रही, काफ़ी कम है फ़ीस, कोई ज़्यादा नहीं है, 7 से 8 हज़ार पर सेमेस्टर फ़ीस है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। बात करूँ पॉपुलेशन की तो 68,000 ग्रैंड प्रेरी में पॉपुलेशन है। और काम की बात करूँ, आपको हर एक जो बेसिक नेसेसिटी की जो चीज़ है वो आपको मिल जाएगी वहाँ पे, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई चीज़ वहाँ पे नहीं मिलेगी, आपको एडमंटन या किसी और बड़े शहर में जाना पड़ेगा।
इट्स ए बिग सिटी, आपको हर एक, अगर आपको आपके जैसे अगर आप एक पंजाबी हो, जैसे मैं पंजाबी हूँ तो मैं पंजाबी खाना ढूंढता हूँ वहाँ पे, ओके आपको मिल जाएगा बड़ी इजीली। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैंने जितने भी ये छोटे शहर देखे हैं, मैंने जैसे लॉर्ड मिनिस्टर बनवीनियन, यहाँ के शहरों में कोई ऐसा ना वो नहीं है, सिख गुरुद्वारा नहीं है। तो आप यहाँ पे जाओगे, यू हैव मतलब कि एक छोटा सा गुरुद्वारा है वहाँ पे, कम्युनिटी ने बनाया हुआ है, काफ़ी उसको फंड रेज हो रहा है पीछे के सालों में, 3-4 सालों में काफ़ी उसको कैलगरी कम्युनिटी ने सपोर्ट किया, एडमेंटन कम्युनिटी ने सपोर्ट किया। तो आपको एक ये भी एक प्लस पॉइंट मिल जाता है वहाँ पे है, आपको अगर जाना है वहाँ पे, अगर गुरुद्वारे जाना है कुछ मन की शांति के लिए, तो आप भाई जा सकते हैं उधर। तो उसके बाद मैं बात करूँ कि मौसम कैसा होता है वहाँ पे, मौसम जैसा ऑल ओवर अल्बर्टा में मौसम होता है वैसा ही वहाँ पे होता है, बट वेरी करता है हर मतलब ना हर शहर के हिसाब से, तो वेरी करता है। अगर कैलगरी में मौसम हिल स्टॉर्म आ रहा है तो ये है कि वहाँ पे ये नहीं होगा, वहाँ पे भी आ रहा होगा जैसे हमारे यहाँ पे है, तो मौसम ठंडा ही रहता है, कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ बर्फ़ नहीं पड़ती, बर्फ़ ही पड़ती है। तो प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि बीसी के काफ़ी पास है, अगर आप बीसी घूमने जाना हो, आपने ब्रिटिश कोलंबिया घूमने जाना हो, वैंकूवर से तो काफ़ी दूर, अगर आपने ब्रिटिश कोलंबिया जाना हो घूमने, तो आप जा सकते हैं, कोई इतना दूर नहीं है। और बात करूँ पीआर की, पीआर के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अभी इतना डेवलप कह सकता हूँ, डेवलप तो है बट इतना ज़्यादा वहाँ पे अभी लोग नहीं पहुँचे हैं, जो वहाँ की कम्युनिटी है कैनेडियंस है तो वही हैं, इतने स्टूडेंट्स नहीं पहुँचे हैं अभी वहाँ पे। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी और आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है वहाँ पे अपने पैर जमाने का, हर एक चीज़ को अपने आँखों से देखने का, तो आप जा सकते हैं वहाँ पे। काम भी आपको, अगर मैं काम की बात करूँ तो काम भी आपको अच्छा खासा वहाँ पे मिल जाएगा, ये नहीं है कि आपको काम नहीं मिलेगा, आपको 6 घंटे मिल जाएंगे, काम भी मिल जाएगा आपको। बट ये हो सकता है कि थोड़ा सा शहर से बाहर हो सकता है, या थोड़ा सा कहीं और हो सकता है, थोड़ा सा दूर हो सकता है वहाँ पे आपको, शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे रहते हैं, उनसे पूछा था, आपको वहाँ पर गाड़ी की ज़रूरत पड़ सकती है, वैसे कैब भी है बट आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ सकती है। और मैं बात करूँ वहाँ पे रेट की, वैसे तो $15 चलते हैं, अगर मैं कैश पे बात करूँ तो आपको $11-12 आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है थोड़ी सी ना बैकवर्ड एरिया करके, वहाँ पे चोरियाँ को थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए क्या होता है वहाँ पे नाइट ड्यूटी के लिए आपको पे रेट थोड़ा सा ज़्यादा दे देते हैं, तो स्टूडेंट्स ही करते हैं ये नाइट ड्यूटीज़ और ये नाइट शिफ्ट्स, जैसे स्टूडेंट्स ही करते हैं वही कर पाएंगे, बाकी तो सब मना कर देते हैं। तो यही थी वीडियो आज की, और ग्रैंड प्रेरी में अगर आप कॉलेज में, ग्रैंड प्रेरी की कॉलेज में अगर आप जाना चाहते हैं तो अभी अप्लाई कर दीजिए, मेरे हिसाब से वो सितंबर डेट को ही लेते हैं, बट अब निकल गया वो टाइम, अगर आप सोच रहे हैं नेक्स्ट ईयर या फिर जनवरी में अगर आपकी वो एप्लीकेशन लेते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट, आप अपने एजेंट को बोल सकते हैं कि हमें इस कॉलेज में जाना है, इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, प्लीज़ 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 चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, आई एम वेरी नियर टू द माय मोनेटाइजेशन, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।